यहां पर मतलब एक आदमी आए थे पागल टाइप में बन के तो वो रोज यहाँ पे बैठे रहते थे और बच्चों को देखते थे कि कौन कहाँ खेलता है और मतलब सबके घर पे खाना मांगने जाते थे और उनके घर में देखते थे कि किसके कितने बच्चे हैं तो उनके जेब में चाकू भी मिला था अच्छा जी हाँ, तो फिर क्या में किया किया पढ़ लिया और मैं इसको ले जाता हूँ तो कैसे बचाओगे ऑफिस से <laughs> तो तो आपने देखा ये ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप भी बहुत इंटरेस्टिंग था इन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे गिरा दिया पर एक चीज की कमी रह गई जो आपको मैंने सिखाया था शाउट करना है बच्चा चोर बचाओ बचाओ बच्चा चोर आया बचाओ बचाओ क्या बोलना है बचाओ बचाओ बच्चा चोर आया इसको लेके भागो ओके 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 गुड ठीक है तो यहां तक समझ आ गया फर्स्ट स्टेप क्या करना है आजा 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 और अब भाई साहब ये फुल करेगा आहा, 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 और अब भाई अरे नमस्कार जय हिंद इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें सभी यूथ के साथ पेरेंट के साथ तो आजकल बच्चों को जिस तरीके से उठाने का एक माहौल चल रहा है बच्चों आप भी ध्यान से सुनना मेरी बात को ठीक है बेटा आमतौर पे होता क्या है जब छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं तो कोई आपको लुभाने के लिए कोई कोई अच्छा सा खिलौना ये गाड़ी में घुमाने की बात कर सकता है या बोल सकता है कि आपके पापा या मम्मी को चोट लगी जब आप स्कूल जा रहे होगे आपके पापा मम्मी के एक्सीडेंट हो गया जल्दी से गाड़ी में बैठो आपको बुला रहे हैं तो ऐसे किसी के साथ नहीं जाना ठीक है ठीक है बेटा स, 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 सुना आपने किसी के साथ भी नहीं जाना और कोई आपको चॉकलेट दे कोई टॉफी दे उनकी बातों में नहीं आना भले आपके पापा मम्मी आपको डेली चॉकलेट टॉफी ना दें कोई बात नहीं पर ये जो लोग होते हैं आपको ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो लुभा के अपनी गाड़ी में डाल के ले जाएंगे हाथ पैर बांध के उसके बाद आपके हाथों को काट के भीख मंगवा सकते हैं ठीक है आपके शरीर के अंगों को बेच सकते हैं बच्चों को मार के और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे घरों में नौकर बनाने के लिए बेच देंगे जब दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत जल्दी उनकी जो है बॉडी में चेंजेस आते हैं बॉडी फेस जो है उनका चेहरा बदल जाता है तो लोग ऐसे जो किडनेपर्स होते हैं अक्सर उसके दो तीन टाइप के टारगेट्स होते हैं एक स्लम एरिया में गरीब एरिया में जहाँ पे पुलिस के पास जाएं भी तो पुलिस उनको इजीली ले ना ले उनको फर्क नहीं पड़ता और मामला दब जाए दूसरा गरीब है कहाँ तक आवाज उठाएगा कौन उनकी सुनेगा तो हर आसपास के लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें एजुकेट करें कि बच्चों को अनअटेंडेड ऐसे खुले में ना छोड़े कहीं घूमने के लिए जाने के लिए आपको मैंने वीडियो दिखाया था जब एक बच्चा घर से सामान लेने गया था तेरह चौदह वर्ष का उसको वैन में डाल के ले गए थे उसके बाद उसको कुछ सुंगा दिया था और उसके बॉडी ऑर्गन्स को, को काटने की बातें चल रही थी जब वो होश में आया कुंडी खोल के रात को ढाई तीन बजे वहाँ से भाग गया था तो ऐसे बहुत सारे हाथ से बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चों पे नजर रखें किसके साथ खेलता है कौन स्ट्रेंजर आके उनसे मिलता है बातें करता है कौन धीरे धीरे इनके साथ सम्मिली होने की कोशिश कर नजर रखें कहीं बच्चों को खेलने के लिए भी भेज भेजें पार्क में तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें अपनी किसी अडल्ट की प्रेजेंस में किसी पेरेंट की प्रेजेंस में ही बच्चे खेलने के लिए जाएं ऐसे के लिए बिल्कुल भी ना भेजें तो अगली बार जब कोई आपके पास आके बोलेगा कि चलो आपको मैं घुमा के लाता हूँ तो आपका जवाब क्या होगा क्या बोलोगे आप उसे नो नो से क्लियर नो क्या बोलोगे नो कोई चॉकलेट देगा तो क्या बोलोगे हमें चॉकलेट नहीं चाहिए तू अपनी चॉकलेट अपने पास रख बोलो कैसे बोलोगे चॉकलेट अपने पास हमें नहीं, नहीं, नहीं चाहिए हाँ। बोला हमको रॉयल ने ट्रेंड कर रखा है हमें तुम्हारी चॉकलेट नहीं चाहिए कोई आपका पहले आपसे पूछेगा वो यार एक बात आपका फेवरेट टॉफी कौन सी है फेवरेट मिठाई कौन सी है फेवरेट चॉकलेट कौन सी है या आपको सबसे बढ़िया कपड़े कौन से लगते हैं मैं आपको लाके दूंगा पहले आपको टेस्ट वो पूछेगा आपसे घुल मिल के और फिर आपको लाके देगा कि अच्छा एक ये ना और चार वहां पे रखे गाड़ी में आके और देता हूँ जाओ आप जैसे जाओगे आपको पीछे से एक लोग आएंगे उठा के गाड़ी में डाल के ले जाएंगे हाँ क्या कपड़े से उसको के के फिर उसे पकड़ के ले जाएंगे बिल्कुल सही बात है देखो बच्चे को भी पता है तालियां बच्चे के लिए तो ऐसे आपको उठा के ले जाया जा सकता है तो हमें क्या रहना है सावधान रहना है क्या रहना है सावधान तो सावधान रहेंगे तभी हम बच पाएंगे और कोई किसी को उठा के ले जा रहा हो तो आपको क्या कहना डरना नहीं है चिल्लाना है कैसे चिल्लाना है बचाओ बचाओ चिल्ला के बताओ एक बार बचाँ। एक बचाँ। साथ बचाओ 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 ऐसा ना होगी यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएं और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जब कोई बचाओ बचाओ की या हेल्प की आवाज कोई सुने तो तुरंत उस तरफ भागे जहां से वो आवाज आ रही है कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं पर इग्नोरेंस कई बार बहुत भारी भी पड़ जाती है तो और कौन से ऐसे तरीके जब स्कूल जाओगे रास्ते में कोई मिल जाए कौन सी क्लास में आप वो जब स्कूल जाओगे कोई लड़का बोले आपको बाइक से बैठा के छोड़ देता हूँ या कोई आदमी बोले या कोई आंटी भी बोले या बूढ़े अंकल भी बोले आंटी भी बोले उसकी बातों में भी नहीं आना ठीक है सोच रहे हैं तो बूढ़े बाबा हैं तो उसके साथ चल लो ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्लियर है समझ मारे बाबा है। कोई बाबा कुछ टाइप से बोलता है कि आ बेटा कुछ छेड़ता है और किसी को गलत तरीके से कोई हाथ लगाता है गलत तरीके से आपसे बात करता है या कोई गंदी हरकत करता है जो आपको लगता है कि सही नहीं है तो आगे पापा मम्मी को बताना है क्लियर है समझ मारा है बेटा और खासतौर पे हमारी बेटियों को लड़कियों को ठीक है बेटी समझ मारा है ओके okay. अगली तो बार सतर्क रहें अलर्ट रहें बच्चों को भी, भी शेयर करें थोड़ी बहुत ही सही कुछ तो बच्चे नॉलेज लेंगे यहाँ पर मतलब एक आदमी आए थे पागल टाइप में बन के, तो वो रोज यहाँ पे बैठे रहते थे और बच्चों को देखते थे कि कौन कहाँ खेलता है और मतलब सबके घर पे खाना मांगने जाते थे और उनके घर में देखते थे कि किसके कितने बच्चे है तो उनके जेब में चाकू भी मिला था अच्छा जी तो फिर क्या किया उसको पकड़ के उनको पकड़ा नहीं था पर नेक्स्ट वो आए दोबारा साइकिल से तो उनको दो तीन अंकल ने पकड़ के फिर यहाँ पे मारा था हाँ से फिर भाग्य फिर नहीं आया ना हाँ, फिर नहीं आया। तो देखा इस बिटिया ने भी क्या बताया एक व्यक्ति था जो यहाँ पे ट्रैप लगाता था पागल बन के देखता था कितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं कौन किसके साथ आता जाता है कितने पेरेंट्स अलर्ट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गतिविधि को कोई दिखे कोई व्यक्ति आपके बच्चों के आसपास आके अनजान बैठे स्ट्रेंजर बैठे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को भी अलर्ट करेंगे और उस बंदे को पूछेंगे कि तू कौन है कहाँ से है क्या तेरा मोटिव है तू यहाँ पे क्या कर रहा है खास तौर पे आपके हो सकता है पौष इलाक़ों में ऐसा कम हो वहाँ तो सीधा किडनैप करके फिरौती लोग मानते हैं जो प्रोफेशनल किडनैपर्स होते हैं पर आमतौर पर गरीब बच्चों को ऐसे एरिया में रहने वाले बच्चों को जिनकी शायद जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है पुलिस कम सुनती है उठाते हैं बच्चों को ले जाते हैं और उसके बाद फिर पेरेंट्स जिंदगी भर पुलिस थाने के धक्के खाते रहते हैं बहुत केसेस में पुलिस बच्चों को बरामद कर भी लेती है पर अधिकतर केसों में बच्चे कभी नहीं मिलते तो अलर्ट रहना हमारी जिम्मेदारी है जैसे जैसे बच्चे बढ़े होंगे की शक्लें बदल जाएंगी पेरेंट भी अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए कुछ सालों के बाद अच्छा एक बात आओ कोई आपके सामने कोई किसी बच्चे को उठा के गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर करो आप सब लोग आपस आपसा घूम रहे हो आमतौर पर आप देख के डर जाते हो कि अरे यार तो इतना बड़ा आदमी है ये तो मेरे मार देगा तो मेरे लग जाएगी और मेरे चोट लग जाएगी पर आपको डरना नहीं है उनसे क्या डिना नहीं।, नहीं आपको मुँह तोड़ जवाब देना है उसको जवाब कैसे देना है फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि अभी एक छोटा सा बच्चा है ये तो आमतौर पर कोई क्या करता है कि ताकि आपकी आवाज़ ना आए चुपचाप देख के मौका वो उठाएगा जब भी जब भीड़ भाड़ नहीं होगी तो रुमाल लेके आपका मुँह दबा के जो है यूँ पूरा बंद कर देगा और आपको उठा के गाड़ी वाड़ी में ले जा सकता है तो आपको क्या करना है अगर अगर नहीं नहीं बेहूश की नहीं हो अगर आप देख लेते हो तो सबसे पहला आपको क्या काम कर रहे सबसे पहला काम है चिल्लाना क्या अभी चिल्लाना हाँ हाँ तो आप जोर से चला सकते हो बचाओ बचाओ बच्चे को उठा रहा है बच्चे को उठा रहा है बच्चा चोर बच्चा चोर क्या बोलोगे बचाओ बचाओ बच्चा चोर बच्चे को उठा रहा है कैसे बोलना है और कोई अंकल अंकल दूर खड़े हैं तो बाकी को को या किसी और आदमी ले आना कि देखो पे कोई बच्चे को उठा रहा है इस टाइप से कर रहा है कोई गाड़ी में लेके जाए तो गाड़ी का नंबर नोट कर लेना है क्या गाड़ी का नंबर नोट कर लो कौन से रंग की गाड़ी थी जो व्यक्ति था उसका होलिया कैसा था दिखने में कैसा दिख रहा था दाढ़ी थी फेस गोल था कि लंबा था कहीं पे फेस पे कहीं कट का निशान था कि नहीं था कोई अद्धा और अद्धा उठा के सिर में मार दो पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको कोई किसी बच्चे को मार रहा हो बच्चे को उठा रहा हो और अपने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव में आप किसी को मार देते हैं तो पुलिस आपको नहीं पकड़ती क्लियर है ठीक है खासतौर पर बेटियों के लिए कोई पकड़े काट लो आंख ना उछलो और कुछ भी उठा के मार दो ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है अपनी सेफ्टी ज़रूरी है मैं कोई सपोज़ मैं इसको उठा के ले जाने की कोशिश करता हूँ तो आप सबको जो है ना लिपट जाना है मेरे को खींच लेना ताकि मैं इसको लेके ना जा पाऊँ देख पाऊँ देख पाता हूँ कि मुझे गाड़ी में डालने से इसे कौन बचाता है तो सपोज़ ये बच्चा है एक इस वाले को लेता हूँ सपोज आ जाओ ये छोटा सा है चुपचाप मैंने इसको हाथ में भर लिया और मैं इसको ले जाता हूँ तो कैसे बचाओगे अरे छोड़ो छोड़ो रे 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 गिरा दिए <laughs> 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 तो तो आपने देखा ये ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप ही बहुत इंटरेस्टिंग था इन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे गिरा दिया पर एक चीज की कमी रह गई जो आपको मैंने सिखाया था शॉट करना है बच्चा चोर बचाओ बचाओ बच्चा चोर आया बचाओ बचाओ क्या बोल बच्चा रहे हैं ठीक है बच्चा तो अभी हम पहले काम करेंगे जैसे ही मैं इसको ले जाऊंगा तो पहले आपको वो करना है कि बच्चा हाँ, चोर और उसके बाद ये देखिए मैं इसको लेके भागा ओके 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 गुड ठीक है तो यहाँ तक समझ आ गया पेरेंट्स खासतौर पे ध्यान दें कि शादी में जब जाएं तो बच्चों पे निगरानी रखें शादी विवाह से फंक्शन से भी काफी सारे बच्चे आजकल गायब हो रहे हैं ऐसी रिपोर्ट आ रही है so के साथ जुड़े साझा करें ऐसे तमाम सोशल वीडियोज देखने के लिए अपने पेज की ताकत बने तब तक ख्याल रखेगा अपना गुड बाय फॉर नाउ जय हिंद